जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 8:34 हो गई है, 8:34 PM, और अब आ जाइए। हम लोग आज नेक्स्ट वीक का पूरा वीक का व्यू दे रहा हूँ मैं। पूरे वीक में कितना पॉइंट बढ़ सकता है, घट सकता है, क्या हो सकता है, एवरीथिंग आई विल गिव यू। सबसे पहले डिस्क्लेमर भाई को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। डिस्क्लेमर भाई को आप लोग पहले देख लीजिए, क्योंकि इसको देखे बिना आपको मेरा वीडियो देखना एक समझ लीजिए क्राइम है, क्राइम, नो लेस देन ए क्राइम। तो इसको पहले पढ़ लीजिए आप लोग, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। विदाउट रीडिंग दिस डोंट वॉच माई वीडियो, ओके। तो अब आ जाइए नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, क्या नहीं। पूरी वीक की वीक जो स्टार्ट होगी 19th से स्टार्ट होगी, 19, 20, 21, 22, 23 को ख़त्म होगी। 19th अक्टूबर टू 23rd अक्टूबर में निफ्टी कैसा रह सकता है, क्या हो सकता है, एवरीथिंग आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। गारंटी कुछ भी नहीं है, याद रखना, कोई भी मेरी बातों पे अंधविश्वास ना करे, क्योंकि बहुत लोगों को लगने लग गया ये जब राइट होता है तो ये खुदा हो गया, तो एक लॉट की जगह 5 लॉट ले लो। ऐसा मत करना, क्योंकि जब पड़ेगा ऊपर से पहाड़ से, जब नीचे गिरोगे ना तो मुझे तो गालियाँ दोगे, कोई बात नहीं है, लेकिन खुद के पैसे भी खो दोगे। धीरे धीरे ही चलो, ठीक है। अब सीधा मैं पहले चार्ट की भाषा बोल लेता हूँ, उसके बाद डाटा भी मैंने रेडी कर लिया है। मेहनत खूब करता हूँ आप लोगों के लिए, और एक भी रुपये का मनीटरी गेन के लिए नहीं करता हूँ। भोलेनाथ की कसम, अपने बच्चों की कसम, आप लोगों से कोई पैसा कमाने का लालच से मैं एक भी काम नहीं करता हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं चार्ट, पहले आप लोगों को निफ्टी SGX दिखा देता हूँ, 40 पॉइंट ऊपर है, और डाउ जोन्स फ्यूचर भी दिखा देता हूँ, कुछ 270 पॉइंट ऊपर है। SGX 40 पॉइंट ऊपर है, डाउ जोन्स फ्यूचर 270 ऊपर है, ठीक है। अब आ जाते हैं चार्ट पे, चार्ट में क्या दिख रहा है क्या नहीं, वो सच्चाई बताना पड़ेगा, फिर डाटा के साथ उसको मेल खा के सब कुछ बताना पड़ेगा आपको। वीडियो को स्किप मत करिएगा, स्किप करने की आदत है तो किसी और के चैनल को देखिए, आपके लिए भी फायदा होगा, मेरे लिए भी फायदा होगा। कोई लालच नहीं है, आप लोग लाइक देते हो, डिसलाइक देते हो, कोई बात नहीं, लाइक देते हो तो खुशी होती है कि लोग पसंद कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। ये समझ लीजिए यही मेरा रेम्यूनरेशन है, यही मेरी सैलरी है। इसमें भी अगर आप कंजूसी करते हो तो आपकी मर्जी है। देखिए, आज निफ्टी में कैंडल तो अच्छी बन गई आज, मतलब इसको बुरी कैंडल नहीं बोल सकते आप, क्योंकि हैमर टाइप का कैंडल भी बना। और अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट वीक के लिए आपको मैं बताता हूँ, ये जो कैंडल बनी है लाल वाली यस्टरडे की, इसका 50% बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आता है 852, लिख लीजिए आप लोग। अगर निफ्टी किसी भी कारण से 11852 के ऊपर क्लोज कर दिया, क्लोज याद रखना, क्लोजिंग चाहिएगी, इसके ऊपर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, तभी आप तेजी करिएगा, वरना तेजी में निफ्टी नहीं आ सकता। कितना, 11852 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके ऊपर की क्लोजिंग जिस दिन आ जाए उस दिन समझ लेना 12100 को कोई रोकने वाला नहीं है। कितना सिंपली समझा दिया, एक लेवल से 852 के ऊपर की क्लोजिंग कैसे निकाला, चलिए सिखा देता हूँ आप लोग को, क्या याद रखोगे। और मैं आप लोग को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ, नवंबर की 1 तारीख के बाद मैं यहाँ पे फ्री स्टडी सिखाऊंगा आपको, जो मैं वेबिनार में भी सिखाता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग पैसे नहीं दे पाते सीखने के लिए। तो मैं 1 नवंबर से मेरे खुद के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो वेबिनार में सिखाता हूँ वो यहाँ पे वीडियोस बना के भी डालूंगा, ताकि आप लोग घर बैठे भी सीख जाओ और दुआ में मुझे याद करो, ठीक है। 1 नवंबर से ये प्रक्रिया भी स्टार्ट होगी, मुझे कोई पैसा कमाने का लालच नहीं है, ठीक है। तो खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो 9-10 हज़ार रुपये भी दे नहीं सकते, हारने के लिए 50 हज़ार हार जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, ये मिडिल लेवल, इस कैंडल का मिडिल लेवल, ये अब इसके लिए एक बहुत बड़ी रुकावट हो जाएगी, किसके लिए, निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ। आज कितनी क्लोजिंग हुई, और मुझे लगता है निफ्टी इतना ही हाई बना के बुरी तरह गिरावट देगा नेक्स्ट वीक, बताऊंगा मैं अभी।
ये लेवल आता है 800, इसको राउंड फिगर कर देता हूँ मैं, 50, 850, 850 आप लिख लीजिए, मेक और ब्रेक लेवल है। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, चलो 850 आप लोग इसको मान लीजिएगा, 52 मत मानिए, 850, ठीक है। 850 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो मार्केट 12,000 का हाई, 12,025 जो हाई बना है वो डेफिनेटली तोड़ेगा, आप लिख लीजिए, एट एनी कॉस्ट तोड़ेगा। लेकिन क्लोजिंग आने से, क्लोजिंग आना बहुत मुश्किल है, मैं बताऊंगा क्यों। ये जो बड़ी कैंडल बनी है इस बार मजाक के लिए नहीं बनी, ये बड़ी मंदी का सूचक है। इस बार निफ्टी आपको नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मंडे को गैप अप खोलेगा, और आज की क्लोजिंग 762 है तो ये 840 या 50 तक जाएगा भी मंडे को, और वहाँ से ही गिरना, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करके गिरना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर किसी कारण से इसके ऊपर क्लोज कर दिया तो फिर आप 12,100 के लिए खेलिए, 12,000 के लिए भी नहीं मत खेलिए, 12,100 के लिए, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी ऐसा मेरा मानना है, वो मैं आपको डाटा से समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तक आएगा ये भी मैं बोल सकता हूँ, 840 तक मंडे को ही आ जाएगा। और इस बार ये लोग गैप अप खोल के अपना माल आपको चिपकाएंगे, और नेक्स्ट वीक का जो बॉटम बनेगा वो मैं आपको लगभग बता देता हूँ। नेक्स्ट वीक मार्केट एक बार यहाँ जरूर आएगा, आप नोट कर लीजिएगा इसको, मैं आपको ट्रेंड लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ। इस जगह नेक्स्ट वीक मार्केट निफ्टी आएगा, एक मिनट के लिए भी आए लेकिन जरूर आएगा। ये लेवल क्या आता है मैं आपको थोड़ा खुल के बता, 350, 350 आप लोग लिख लीजिए नेक्स्ट वीक का टारगेट आपका। शॉर्ट कब करना है आपको, 820 से लेके 850 के बीच में, कब शॉर्ट करना है, कल मंडे को, 820 से 850 के बीच में आप शॉर्ट करिए, और किसी भी कारण से 850 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती तो आपका स्टॉप लॉस, मतलब जहां आपने शॉर्ट मारा वही आपका स्टॉप लॉस है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस है, ठीक है। और टारगेट आप लोग नेक्स्ट वीक का लिख लीजिए 350, 350, है ना, स्मार्ट एनालिसिस हो गया का। अब इसी को मैं डाटा के थ्रू समझाता हूँ क्यों ऐसा होगा, या फिर पहले बैंक निफ्टी का भी चर्चा कर दे। चलिए बैंक निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी कर देता हूँ। बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक का हाई कहाँ तक बनेगा वो बता देता हूँ, उस जगह आपको शॉर्ट करना है, आपको बाई नहीं करना है बैंक निफ्टी को उस जगह, लेकिन कहाँ शॉर्ट करना है वो मैं बता देता हूँ, और उसके ऊपर की क्लोजिंग ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब बैंक निफ्टी 24,000 को पार करने में इसके नाना जी की दादा जी की ताकत निकल जाएगी, 24,000 के जितना नज़दीक आएगा आप 23,900 से लेकर 24,000 का लेवल लिख लीजिए शॉर्ट करना है हमको। नेक्स्ट वीक क्या करना है आपको, 23,900 से लेकर 24,000 के बीच में, अगर 24,000 के ऊपर की क्लोजिंग आती है फिर इसको आप आराम से 25,200 के ऊपर का टारगेट लिख लीजिए, 25,400 का टारगेट लिख लीजिए, खाली क्लोजिंग इसके ऊपर आने के साथ साथ 24,000 के, लेकिन आप शॉर्ट करिएगा 23,900 के आसपास। स्टॉप लॉस कितना है, 24,000 के ऊपर की, उधर आप डबल बाई कर सकते हो, सिंपल। और नेक्स्ट वीक का टारगेट बता देता हूँ क्या आएगा, मिनिमम टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मिनिमम, लेकिन मंडे को ऐसा नहीं होगा, मंडे को तेजी रहेगा मार्केट। फर्स्ट हाफ में पहला टारगेट आपका आएगा नेक्स्ट वीक का 23,200, दूसरा टारगेट आपका आएगा 22,800, और तीसरा और फाइनल टारगेट जो है आपका नेक्स्ट वीक का वो ये है 22,050, कितना, नहीं 22,050 नहीं, सॉरी 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 22,400
नेक्स्ट वीक, और इसके नीचे, इसकी अगर इसके भी नीचे जाता है, जो कि संभावना भी है, जा भी सकता है, तो उसके बाद आप ये टारगेट के लिए खेलिएगा, 21,400 1,000 पॉइंट का फॉल मिलेगा आपको। और तो ये आपको फिर से मैं बता देता हूँ, 21,900 से लेकर 24,000 के बीच में कभी भी आपको बैंक निफ्टी मंडे को दिखे तो शॉर्ट मार दीजिएगा। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 24,000 के ऊपर की क्लोजिंग, बस सिंपल छोटा सा, वही जहाँ शॉर्ट मारा वही आपका स्टॉप लॉस है, लेकिन क्लोजिंग में टारगेट, आप पहला टारगेट आपका 23,200, दूसरा टारगेट आपका 22,800 नेक्स्ट वीक का पूरा बोल रहा हूँ, और तीसरा टारगेट 22,400, और चौथा टारगेट जो है, जो कि पॉसिबल है, 21,400, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का हो गया, ये भी इसके ऊपर जाना इसके लिए बहुत मुश्किल है, भले तेज़ी ज़रूर होगी मंडे को, ये डाउट नहीं है। अब आ जाइए डाटा रीडिंग पे, मैं वीकली चार्ट वगैरह नहीं देख रहा हूँ क्योंकि मुझे सब देखा हुआ है, मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बाकी लोगों के वीडियो में आप देख लीजिए, ठीक है। तो सीधा मैं आ जाता हूँ, मेरा जो कलाकारी है उस पर आ जाता हूँ। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक डाउन रहेगा, खुलेगा गैप, ऊपर भी जाएगा, सब कुछ बता दूँ। ये आपके सामने है डाटा 16-10 का, 16-10 मतलब आज का, FI क्लाइंट एंड प्रो इंडेक्स फ्यूचर में आप देखो पिछली वीक से कितनी क्वांटिटी घटी है FI की, पिछली वीक से, ये पिछला वीक का है, आपको डेट दिख रही होगी 9 तारीख, हम लोग को ज़्यादा कंपैरिजन इससे करना है। अब इससे कोई लेन देन नहीं है, 15 अक्टूबर को क्या था, ठीक है, अब डेली वाला नहीं गिनना, अब क्योंकि वीक का हिसाब करना है हमको। ये हम लोग कब करते थे, जब 15 को इसलिए देखते थे कि 14 को क्या हुआ, ठीक है, वो डेली के लिए, लेकिन अब वीक का हिसाब करने के लिए 9 तारीख का जो डाटा था वो इम्पोर्टेंट हो गया। तो 9 तारीख को FI 65,000 क्वांटिटी नेट में प्लस थी, इंडेक्स फ्यूचर में 45,000 आ गई, यानी कि 20,000 क्वांटिटी इन्होंने ऑफलोड की है ड्यूरिंग द वीक, इस वीक के अंदर, तो कहीं ना कहीं इनकी तेजी में कमजोरी आई है इंडेक्स में। अभी भी तेजी की पोजीशन बरकरार है, यहाँ माइनस नहीं है, प्लस ही है, लेकिन तेजी में गिरावट आई है, तेजी में, ठीक है। क्लाइंट पिछली वीक में 24,000 क्वांटिटी शॉर्ट थे, 24,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, वो घट के 12,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट रह गए, कहीं ना कहीं क्लाइंट थोड़ा सा बुलिश होने की तरफ जा रहे हैं, इन्होंने 12,000 शॉर्ट को घटा लिया नेट कॉन्ट्रैक्ट। प्रो जो कि 8,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, वो 2,600 कॉन्ट्रैक्ट बाई में आ गए, तो क्लाइंट कुछ हद तक बाइंग तरफ जा रहा है और FI कुछ हद तक सेलिंग तरफ जा रहा है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी इसने घटाई है, और प्रो और क्लाइंट जो है वो बाइंग तरफ जा रहा है। इसका मतलब नेक्स्ट वीक मंदा होना तो निश्चित है, मंदा होना, लेकिन तेज होके मंदा होगा। अब इसके पास 45,000 क्वांटिटी है, कैसे निपटाएगा? ये मंडे को खोलेगा गैप अप, मंडे को क्या करेगा? गैप अप, क्योंकि इसको सलटाना भी है, तो गैप अप खोलेगा, 50-60 पॉइंट का गैप खोलेगा, 40 से 50 पॉइंट, और ड्यूरिंग द डे 40 पॉइंट और खींचेगा, और वहाँ अपना ये 45,000 कॉन्ट्रैक्ट को पब्लिक को माला पहना देगा, और उसके बाद मंगल बुध मंदी दिखेगा, ठीक है, ये मुझे लगता है, इसलिए मैं 350 देख रहा हूँ नेक्स्ट वीक, ठीक है, लेकिन 850 के करीब शॉर्ट करना आपको, ये सब मैंने बता दिया, 830-40 पे शॉर्ट करना, स्टॉप लॉस छोटा सा 850 के ऊपर की क्लोजिंग, उसके ऊपर क्लोजिंग आ गई तो फिर 12,100 कोई रोक नहीं सकता, ये भी लिख लेना आप, ठीक है। अब आ जाइए स्टॉक फ्यूचर में, पिछली वीक में FI के पास 1,76,000 कॉन्ट्रैक्ट थे, इस वीक में घट के कितना हो गए? 1,48। स्टॉक फ्यूचर घटने का मतलब कहीं ना कहीं तेजी में खलल, ठीक है। अब ये डेली पोजीशन से हमको कोई लेन देन नहीं है, अब वीक टू वीक हिसाब कर रहे हैं, ठीक है। तो 1,76 से घटाया इन्होंने, और ये मुर्गे मतलब क्लाइंट, यानी कि हम लोग रिटेलर्स, ये 4,47,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट में थे, ये 4,67, ये 20,000 कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाए हैं इन स्टॉक फ्यूचर में, समझ में आया? तो ये मरने के लिए तैयार है, और प्रो ने भी स्टॉक फ्यूचर में 10,000 कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिए, 77,000 से 87,000 पे आ गए,
77,000 से 87,000, क्योंकि कुछ साउथ इंडियन को इंडियन हिंदी न्यूमरिकल्स नहीं समझ में आते, इसलिए मैं थोड़ा न्यूमरिकल्स इंग्लिश में बोलता हूँ। अगेन आई विल रिपीट वंस अगेन, लास्ट वीक FI's नेट पोजिशन इन इंडेक्स फ्यूचर नेट कॉन्ट्रैक्ट प्लस वॉज 65,572 एंड इट हैज़ बीन रिड्यूस दिस वीक टू 45,122, विच शोज दैट समहाउ दे आर गोइंग टूवर्ड्स डाउन ट्रेंड, दे आर थिंकिंग ऑफ मार्केट गोइंग डाउन। एंड क्लाइंट्स हु वेर नेट शॉर्ट इन इंडेक्स फ्यूचर नेट कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट्स वेर 24,266, दे हैव रिड्यूस्ड नेट शॉर्ट्स टू 12,037। एंड प्रोज वेर नेट शॉर्ट लास्ट वीक 8,088 कॉन्ट्रैक्ट्स, नाउ दे हैव दे आर नेट प्लस 2,600 कॉन्ट्रैक्ट्स। इन स्टॉक फ्यूचर FIs वेर होल्डिंग 1,76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग नेट लॉन्ग, दिस वीक दे हैव रिड्यूस टू 1,48,000, विच शोज दे आर सींग वीक नेक्स्ट वीक टू बी वीक टू बी रेड। ओके एंड क्लाइंट्स वेर 4,47,000, दे हैव इंक्रीज्ड टू 20,000 एंड दे आर नाउ नेट प्लस 4,67,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रोज वेर 77,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग इन स्टॉक फ्यूचर नेट, नाउ दे आर नेट लॉन्ग 87,000, दे हैव इंक्रीज 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। इन इंडेक्स कॉल FIs वेर नेट लॉन्ग 98,862 कॉन्ट्रैक्ट्स, दे हैव रिड्यूस टू 81,000 कॉन्ट्रैक्ट, दिस मीन्स अगेन मंदी की तरफ, अगेन दे आर गोइंग टूवर्ड्स बियरिश साइड। ओके रिड्यूसिंग द कॉल मीन्स दे आर बियर्स नाउ। एंड क्लाइंट्स वेर नेट शॉर्ट 41,000 कॉन्ट्रैक्ट इन नेक्स्ट लास्ट वीक, दे आर नाउ नेट प्लस 16,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो मुर्गा भी मिल गया, कॉल लेके बैठा है। उसके अलावा प्रो भी थे, 57,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट में थे, उन्होंने नेट शॉर्ट और बढ़ाया 98,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल में, तो ये थोड़ा स्मार्ट मूव है प्रो का। अब आ जाइए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट वीक FI का 1,09,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग था पुट ऑप्शन में नेट, 1,09,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे FI लास्ट वीक, नाउ दे हैव इंक्रीज टू 1,38,000 कॉन्ट्रैक्ट, फ्रॉम लास्ट वीक दे हैव जंप 29,000 कॉन्ट्रैक्ट मोर, यानी कि पूरी की पूरी मंदी की तरफ ये लोग जा रहे हैं। और साथ में जो क्लाइंट है वो आग में घी डाल रहा है, वो 77,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट पुट में शॉर्ट करके बैठा है था लास्ट वीक, इस वीक वो 1,44,000 कॉन्ट्रैक्ट हो गया 1,44,000, इसका तो सुसाइडल है, नेक्स्ट वीक इनकी मौत लिखी हुई है, नेक्स्ट वीक मार्केट 350 को भी तोड़ सकता है, ये लिख लीजिए आप 11,350 को भी तोड़ सकता है, 11,350 ऑल्सो कैन बी ब्रीच्ड, बट मंडे विल बी ए बुलिश ओपनिंग नो डाउट एट ऑल, वहाँ आपको निकल जाने का मौका आराम से मिलेगा, तेजी दोनों में होगी, निफ्टी बैंक निफ्टी में गैप अप भी होगा, ये भी मैं बोल रहा हूँ। और इंडेक्स पुट ऑप्शन में लास्ट वीक 74,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे प्रो, इस वीक 32,000, तो इस वीक का मुर्गा बनेगा क्लाइंट, इसको लूटेंगे इस बार FI। दैट्स इट, दिस इज द एनालिसिस, आपको पसंद आएगा तो नेक्स्ट वीक मेरा व्यू है मंदी का, लेकिन तेज ओपनिंग के बाद, फर्स्ट हाफ ऑफ मंडे विल बी तेजी एंड दैट विल बी द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट फ्रॉम निफ्टी बैंक निफ्टी ऑल, यानी कि आप अगर तेजी भी किए तो आपको घबराना नहीं है, मंडे को आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा मंदी में आने के लिए, ठीक है। दैट्स इट, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। कल वेबिनार भी है, कल बर्थडे भी है, और रात को 12 बजे आज बर्थडे बना रही है बेटी, और बेटे सब लगे हुए मेरे घर पे, ऑल आर रेडी, मुझे तो कमरे में बंद कर दिए, बोलते आपको देखना भी नहीं क्या करना। तो चलिए, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल। और कल की वेबिनार 4 बजे स्टार्ट होगी, तो जो जो लोग ज्वाइन किए मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के थ्रू, कि आपको 3 बजे ID देगा मेरा असिस्टेंट सागर, 3 बजे आपको ID और पासवर्ड दे देगा कि आपको जूम में क्या ID और पासवर्ड डालना है, उससे आपकी लॉगिन हो जाएगी, और 4 बजे हमारी वेबिनार कल स्टार्ट हो जाएगी।
जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। कल आपको नॉर्मली ये बेसिक्स के बारे में ज़्यादा जानकारी सागर ही देगा। कल मैं थोड़ी देर के लिए आऊँगा कल, और परसों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, पूरा मेरा एक्सपीरियंस जो 25-30 साल का है, सब कुछ आपको सिखा दूँगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।